What's up everybody, my name is Jovan Sir, so welcome back to another video. Guys, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है. मीन्स आज हम लोग एक परफेक्ट स्किन टोन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपकी वीडियो में बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है. देखिए, हम लोग वेडिंग शूट करते हैं, वेडिंग के अंदर तरह तरह की लाइट्स होती है. मीन्स रेड लाइट, येलो लाइट, ब्लू लाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी लाइट्स होती है जो हमारे परफेक्ट स्किन टोन को बिगाड़ देती है. तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी परफेक्ट स्किन टोन आए, हमारे पोस्ट प्रोडक्शन में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी परफेक्ट स्किन टोन आ जाए, तो आज हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं. साथ ही हम लोग आज जैसे हम जो स्किन टोन सेट करेंगे वो किस पे, मतलब जो आरजीबी पैलेट होती है, मीन्स कलर स्कोप्स होते हैं. आपको पता होगा कलर स्कोप्स, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ये जो आते हैं इससे होता क्या है, इनका वर्क क्या होता है. तो जनरल वर्क जो उसका होता है वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ. तो बने रहेंगे वीडियो के साथ. और एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं जो आज जो भी करेक्शन करने वाला हूँ वो प्रीमियर प्रो के अंदर नहीं करने वाला हूँ, वो एफसीपी के अंदर करने वाला हूँ. आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा. तो प्रीमियर के अंदर भी यही चीज मैं लेके आने वाला हूँ. वैसे जो प्रीमियर को यूज कर चुके हैं एफसीपी में आए, या फिर प्रीमियर जिनकी प्रीमियर की नॉलेज जिनको अच्छी तरह से है, वो उन लोगों को पता होगा. तो आप प्लीज वीडियो के साथ बने रहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना एफसीपी ओपन करना है, ठीक है. मेरे यहाँ पे एक लट अप्लाई कर रखा है एडजस्टमेंट लेयर पे, तो थोड़ा सा ये लट के हिसाब से, एक मिनट, ये लट के हिसाब से थोड़ा सा आपको ज़्यादा रेडिश दिख रहा होगा, तो मैं इसको अनेबल कर दूँगा. पहले मैं इसकी जो स्किन टोन है उसको हटा सही करूँगा. तो सबसे पहले आपको स्किन टोन के लिए हमें आरजीबी पैलेट और वेक्ट्रोस्कोप वगैरह ये सब चाहिए होता है, मतलब स्कोप्स, कलर स्कोप्स चाहिए. तो इसके लिए आप अगर मैक यूज़ कर रहे हो, ऑब्वियसली आप एफसीपी चला रहे हो तो मैक ही यूज़ कर रहे होगे, तो शॉर्टकट की है हमारी कमांड सेवन से आपके आ जाएगा स्कोप्स, ठीक है. तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे, आपको पहले बताऊँ कि किसका काम कहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है. पर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या लूमा, वेक्ट्रोस्कोप और आरजीबी पैलेट तीनों आ रहे हैं या नहीं. अगर इन तीनों से हमारा मेन काम है तो एक बार ये कंफर्म कर ले कि ये तीनों है या नहीं है, ठीक है. तो मैं एक बार लूमा का काम बता दूँ. लूमा जो होता है वो होता है हमारी वीडियो की ब्राइटनेस, ठीक है, एक्सपोजर. वीडियो का जो परफेक्ट एक्सपोजर है वो होता है हमारा लूमा. तो ये 80% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये 80% से ऊपर नहीं होना चाहिए. अगर आपके 80 से ऊपर होता है तो आपकी वीडियो बहुत ही ओवर एक्सपोज्ड है. तो मेरी वीडियो 50 के अराउंड है, थोड़ा मिड पॉइंट जा रहा है, वो अभी अपन करेक्ट कर देंगे इसको. तो नेक्स्ट हमारा आता है वेक्ट्रोस्कोप. वेक्ट्रोस्कोप जो है, मैं आपको थोड़ा जल्दी बता दूँ ये सब चीज़ें. आप देख रहे हो बीच में एक लाइन जा रही है, ठीक है. ये जो लाइन जा रही है ये कहाँ काम आती है आपको बताऊँ मैं एक बार. इस अगर ये जो कलर आ रहा है, देखिए रेड के साइड आ रहा है, तो मीन्स मेरी वीडियो के अंदर रेड टोन बहुत ज़्यादा है, ठीक है. ये बिल्कुल येलो और रेड के बीच में जाना चाहिए. तो ये देख सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा जा रहा है उस साइड, तो उसको हमें करेक्ट करना है. दूसरा है हमारा आरजीबी पैलेट. आरजीबी पैलेट में आरजीबी कलर्स आप लोगों को पता होंगे, ये सब आरजीबी कलर्स है. तो हमारा रेड जो है बहुत ऊपर है, ये भी 80 से नीचे होने चाहिए या 80 तक होने चाहिए. तो ये 80 मतलब 80 से ऊपर हो रहा है. तो चलिए हम करेक्ट करते हैं इन सबको. सबसे पहले मैं मेरी क्लिप को सेलेक्ट कर लूँ. तो मैंने मेरी एक बार क्लिप सेलेक्ट कर लिया, तो मैं एक बार कलर कोड्स में जाऊँगा. तो मेरा जो रेड है, मैं रेड को मिड पॉइंट से एक बार सेलेक्ट करूँगा. देन मेरी रेड को हल्का सा कम करूँगा. मुझे मेरे रेड को ही सेट करना है प्रॉपर वे से. मेरा जो रेड है मैं यहाँ से इसको एक बार कंट्रोल करूँगा. अब देख सकते हो यहाँ से हल्का सा ये नीचे आया है. तो अब मैं एक बार यू एंड सैचुरेशन मतलब कर्व्स में जाऊँगा. तो यहाँ से इसको पेन अप करूँगा, देन इसको मेरी स्क्रीन पे लेके आऊँगा. देन मैं इसको कम करूँगा, ठीक है. इसको मैं थोड़ा इसको परफेक्ट एक जहाँ से मेरे को लगे या जहाँ से आपको लगे ये मेरी स्किन टोन परफेक्ट अब लग रही है वहाँ तक इसको रखूँगा.
इसको जो सेकंड पॉइंट जो सेलेक्ट होगा उसको आपको हल्का सा बढ़ा देना है, हल्का सा। चलिए हो गया, ठीक है। एक बार वापस कलर का उसमें जाएंगे हम लोग, मिड पॉइंट को हल्का सा कम करेंगे। यस, एक बार आप, ये तो हो गया हमारा जो टोन लेके आनी है, ये तो हमारा हो चुका है, ठीक है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट, एक बार यू एंड सैचुरेशन कर उसमें जाऊंगा, हल्का सा इसको हल्का सा और कम करूंगा। अब आपको इसको प्रॉपर वे में, मींस एक स्टैंडर्ड पिक्चर प्रोफाइल आप बोल सकते हो कि उसमें अगर लेके आना है, क्योंकि हल्का सा ब्राउनिश टाइप लग रहा है। तो मैं एक बार कलर व्हील्स में जाऊंगा, यहाँ से जाके इसको एक बार प्रॉपर वे में सेट करूँगा। हाइलाइट्स पे जाऊँगा, हल्का सा इसको यहाँ से सेट करूँगा, और यहाँ से जो मेरा टेम्परेचर में उसको थोड़ा सा सेट करूँगा, हल्का सा बस, ठीक है। ओके, इसी टोन में लाऊँगा एक बार, एंड ओके। मेरा जो काम था वो हो चुका है, मीन्स मेरे को जो स्किन टोन चाहिए वो मेरी एक बार आ चुकी है, ठीक है। जो परफेक्ट स्किन टोन चाहिए वो मेरे को आ चुकी है। यहाँ से भी एक बार मेरा लट अप्लाई करूँगा कि लट अप्लाई करने के बाद, ओके डन। लट अप्लाई करने के बाद जो स्किन टोन मेरे को चाहिए, जो अपनी वीडियो की स्किन टोन है, वो मेरी आ चुकी है, ठीक है। ये देखिए, पहले भी मैंने एक क्लिप में करेक्ट किया था, ये परफेक्ट स्किन टोन आ चुकी है। तो आपको एक बार बिफोर आफ्टर में बताना चाहता हूँ, इफेक्ट्स में जाइए, एक बार मैं बिफोर आफ्टर बताऊँ। इफेक्ट्स को मैं एक बार अनेबल, देखिए बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ा है मेरी फुटेज में। ये मेरी फुटेज पहले थी और ये मेरी फुटेज आफ्टर करेक्शन हुई है, एक बार आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर फुटेज आप लोगों ने देख ली। तो होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है परफेक्ट स्किन टोन के लिए। एक बार आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं, जब आप कमांड 7 में कर रहा हूं तो यहां पे देखिएगा एक बार, यहां पे ये आप लोग बोलोगे कि ये थोड़ा सा ऊपर जा रही है, मतलब जो रेड टोन है वो हमारी ऊपर जा रही है। अब क्यों जा रही है मैं बताऊं आपको, अगर आप इसको इसके हिसाब से प्रॉपर चलोगे तो आपकी जो प्रॉपर वे, मतलब मीन्स आपके जो फील आ रहा है वीडियो के अंदर, जो बैकग्राउंड आ रहा है वो उसको भी पूरा कम कर देगा। जो दुल्हन की ड्रेस भी रेड है, ठीक है, जो बैकग्राउंड आ रहा है वो भी रेड है, और जो फेस है, फेस का जो ट्रू कलर होता है, फैमिली कलर होता है, वो भी रेड है। तो आपको इसीलिए इस पर पूरा डिपेंड नहीं होना है, हल्का सा होगा बस, जो बिल्कुल मेल्ट हो रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा ही कलर फैल रहा था, राइट, बहुत ज़्यादा रेड टोन फैल रही थी, वो हमारा एक प्रॉपर वे में आ चुका है, बस हमें इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको हटा दूँ बस, ठीक है। एक बार आपको एक बार बिफोर आफ्टर का बता दूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, अब आप लोग मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपकी वीडियो को एक परफेक्ट स्किन टोन आप लोग कैसे देंगे, स्कोप्स का क्या वर्क होता है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू ऑल।